नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संविधान की। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें भारत की आत्मा परिलक्षित होती है, यानी उसका जो सार है, जो उसकी सोल है, वो इंडियन सोल है, भारतीय सोल है, भारतीय आत्मा है। कैसे? तो संविधान की जितनी भी बातें हैं बेसब की सब भारत की संस्कृति से ली गई हैं। भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो विचार है, वो सब इस संविधान में हमको दिखाई देता है। इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संविधान की खूबसूरती को आपको देखना है तो आप उसकी जो मूल पुस्तक है उसको जरूर देखिए। उसमें राम कृष्ण बुद्ध से जुड़े हुए चित्र हैं, जानकारी है, सुंदर चित्र हैं, और ये चित्र प्रेरणा देने का काम करते हैं। और ये चित्र ऐसे ही नहीं लिए गए, इन चित्रों के पीछे एक विचार है, एक दर्शन है। संविधान का प्रत्येक अध्याय जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ उस अध्याय की विषय वस्तु को रेखांकित करने वाला और उस विषय वस्तु के बारे में मार्गदर्शन देने वाला चित्र लगाया गया है। ये चित्र किसने बनाए? तो भारतीय सांस्कृतिक आख्यान की ये चित्र प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस, जो शांति निकेतन में के आचार्य थे। तो नंदलाल बोस अपने शिष्यों के साथ गए और उन्होंने संविधान के लिए कुल 22 जो है चित्र बनाए, 22 चित्र बनाए, और इतनी ही उसके बॉर्डर भी बनाए। पेज बॉर्डर भी बड़े आकर्षक ढंग से उन्होंने चित्रकारी से सजाए हैं। तो ये जो 22 अध्याय के 22 चित्र हैं ये बड़े महत्व के हैं। तो जरा देखें क्या हैं, कौन से हैं ये चित्र। भारत की प्राचीन सभ्यता को दर्शाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का चित्र वहाँ हमको दिखाई देता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमको वैदिक आश्रम दिखाई देता है, वैदिक आश्रम का चित्र है, और आश्रम इस भारतीय संस्कृति का केंद्र है। हमने अपने पूरे जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया है, विभाजित किया है, बांटा है। हम सब जानते हैं 4 आश्रम का हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। तो और आश्रम गुरुकुल के शिक्षा के केंद्र भी थे, ज्ञान के केंद्र, समाज को दिशा देने वाले, जहाँ से मूल्य निकलते थे वैसे। तो आश्रम का जो चित्र है वो अध्याय 2 पर है। उसके बाद अध्याय 3 शुरू होता है भगवान राम के चित्र के साथ, जिसमें वो लंका से माता सीता को लेकर के लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से लौट रहे हैं। तो राम का जीवन, राम के मूल्य इस संस्कृति के आधार मूल्य हैं। भारत के लिए राम का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन रथ पे हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा सुंदर चित्र, उसका दर्शन वो हमको अध्याय 4 में दिखाई देता है। फिर हमको आगे चलते हैं तो महावीर जी का जीवन का संदेश देता हुआ एक चित्र मिलता है। भगवान बुद्ध 5वें अध्याय में भगवान बुद्ध का चित्र है वो दिखाई देता है। और ये चित्र जो है भगवान बुद्ध का, जहाँ वो अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, धर्म प्रवर्तक का चित्र ये प्रतीत होता है, वहीं का ये चित्र है, उसी प्रसंग का चित्र है जहाँ से भगवान बुद्ध का संदेश लेकर के उनके शिष्य पूरी दुनिया में निकले। तो 5वें अध्याय में ये चित्र हमको दिखाई देता है। फिर अशोक के जीवन का चित्र है, कैसे अशोक भगवान बुद्ध के संदेश को दुनिया में लेकर के गए, इस बात का वो प्रतीक है। गुप्त काल के जो चित्रकारी है वो हमको दिखाई देती है। फिर विक्रमादित्य का दरबार हमको दिखाई देता है, महाराज विक्रमादित्य के शासन व्यवस्था कैसी है, क्या थी, ये हम सब जानते हैं। आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में महाराज विक्रमादित्य के दरबार का चित्र इसमें शामिल दिखाई देता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय, उसका भी चित्र है। दुनिया जहाँ सीखने आती थी, जहाँ पढ़ने आती थी, भारत विश्व गुरु था, इस बात का संदेश ये चित्र देता है, जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। भगवान नटराज का चित्र हमको दिखाई देता है, माँ गंगा के धरती पर अवतरण का दृश्य, अवतरण का प्रसंग, वह सब चित्र भी हमको अध्याय 13 में हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसे हम आगे जाते हैं तो हमें और भी चित्र दिखाई देते हैं, भारत के महापुरुषों के चित्र दिखाई देते हैं।
तो कुल मिलाकर के जब हम संविधान के इस रूप को देखते हैं, इस रूप में संविधान को देखते हैं अपने, तो हमको ध्यान आता है कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को भारतीय मूल्यों, भारतीय संस्कृति के दायरे में रखा और उसको उसकी एक ये प्रेरक रूप उसको दिया। और ये बात साबित होती है कि भारत का संविधान भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, उसी की संस्कृति को आगे लेकर चलता है, यानी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रकाश हमको हमारे संविधान में दिखाई देता है। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने संविधान का पूर्णतः पालन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हमने हमारी संविधान समिति ने भी जब संविधान को बनाया तो उन्होंने संविधान को लागू नहीं किया बल्कि आत्मार्पित किया। ये सुंदर बात भी भारतीय संस्कृति का द्योतक है कि हम अपने कानून को, अपने जीवन पद्धति को आत्मार्पित कर रहे हैं, अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं। तो आज संविधान के बारे में ये कुछ नई जानकारी आपको लगी होगी। वैसे कुछ समय से इसकी चर्चा बहुत होने लगी है, बहुत सारे लोगों के सामने ये जानकारी आई है पिछले कुछ वर्षों में कि भारत के संविधान में राम, कृष्ण, बुद्ध, इनके संदेश हैं, इनके चित्र हैं, इनका जीवन दर्शन है, और उन्हीं के जीवन दर्शन से के जो मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, वो हमको संविधान में दिखाई देते हैं। तो फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अभी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।